150 से ज्यादा लोगों को जमा करने पर हुकूमत की जानिब से ताहाल पाबंदी आए थे। इब्राहिम खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान शहर में मंगल से तमाम शादी हॉल्स खोल दिए जाएंगे। हुकूमत की जानिब से इंडोर हॉल्स पर पाबंदी, आउटडोर फंक्शन करने की इजाजत दी गई। अब इन्होंने जो खोला है 150 का, ये ना खोलने के बराबर है। आउटडोर फंक्शन इस मौसम में सख्त गर्मी में, जहां मुल्तान में वेदर बड़ा सख्त होता है, रोजाना शाम को आंधियां आ जाती हैं, तो सेटअप लगाना बहुत मुश्किल है, लोग फंक्शन नहीं करेंगे हमारे पास। मैरिज हॉल एसोसिएशन के सदर नुसरत हुसैन ने कहा कि शादी की तकरीबात पर पाबंदी होने की वजह से कारोबार अब रहा ही नहीं। 150 लोगों के फंक्शन से तो नुकसान होगा, इतना बड़ा खसारा कैसे पूरा होगा। गुज़िश्ता 1.25 साल से कारोबार मुकम्मल बंद है। हुकूमत इंडोर फंक्शन करने की इजाज़त दे। मैरिज हॉल से मुंसलिक कारोबारी अफराद ने लॉकडाउन के बायस काफी ज्यादा परेशानी का सामना किया है और अब हुकूमत से यही मुतालबा करते हैं कि हुकूमत उनको आउटडोर फंक्शंस के साथ साथ इंडोर फंक्शंस करने की भी इजाजत दे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान में एंटी करप्शन में अफसरान के तकरर तबादले, नवारुल हक शरासी असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्लेंट, एंटी करप्शन मुल्तान तैनात कर दिए गए। गुलाम रसूल असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन मॉनिटरिंग मुल्तान तैनात। अहमद तनवीर असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंटी करप्शन का लाहौर तबादला कर दिया गया। तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मुल्तान एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट में तकर्र तबादले। मुल्तान में राव अब्दुल हकीम असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्लेंट एंटी करप्शन का फैसलाबाद तबादला कर दिया गया। अनवारुल हक शिराजी को असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्लेंट एंटी करप्शन मुल्तान तैनात कर दिया गया है।